असलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ टर्किश टलाइट की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी कैंडी की रेसिपी है टर्किश कैंडी है तो चलें बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए शुगर सिरप तैयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने तीन कप चीनी ले ली है चीनी में हम डाल देंगे पानी एक कप पानी डाला है हमने इसकी थिक चाशनी गाढ़ी चाशनी बनाकर तैयार करना है गैस मैंने ऑन कर दिया है अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे दो छोटे चम्मच नींबू का रस नींबू का रस डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकने देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारा एक थिक शुगर सैरप बनकर तैयार नहीं हो जाता गाढ़ी चाशनी बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे तो यहाँ पर चाशनी को बनते हुए दस मिनट हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो गई है और अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे कि सही से बनी है या नहीं तो थोड़ी सी चाशनी लेंगे और इस तरह से ठंडे पानी में डालेंगे और अगर चाशनी पानी में इकट्ठी होने लग जाए एक बॉल की कंसिस्टेंसी होने लग जाए इसकी एक बॉल की तरह हो जाए इकट्ठा होकर तो मतलब चाशनी बिल्कुल सही तरीके से बनकर तैयार हुई है तो आप देख सकते हैं चाशनी बहुत अच्छे से इकट्ठी हो गई है बॉल की तरह हो गई है पानी में डालने से तो बिल्कुल सही चाशनी बनकर तैयार हुई है शुगर सिरप बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं अब इधर एक पैन में हम डालेंगे एक कप कॉर्न स्टार्च और इसमें अब हम डाल देंगे डेढ़ कप पानी यानी एक और आधा कप पानी हम इसमें डाल देंगे अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए लम्स फ्री कर देनी है हमें इसे तो बहुत अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे चलाते हुए इसे अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुटलिया बाकी नहीं रही और अभी गैस बंद है गैस को मैंने ऑन नहीं करा है पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद में गैस को ऑन करूँगी फिर इसमें हम डालेंगे दो छोटे चम्मच लेमन जूस नींबू का रस डालेंगे इसमें डलता है क्रीम ऑफ टार्टर, जो बहुत सारी बेकिंग चीज़ों में डाला जाता है लेकिन उसके सब्सटीट्यूट में हम यहाँ पर नींबू का रस डाल रहे हैं अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो उसके सब्सिट्यूट में मैंने दो छोटे चम्मच नींबू का रस डाला है अब हम गैस को ऑन कर देंगे और अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे क्योंकि जब ये थिक होने लगता है तो इसमें लम्स पड़ने लग जाते हैं तो हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता इसकी कंसिस्टेंसी पूरी थिक नहीं हो जाती तब तक हमें इसे चलाते हुए इस तरह से पका लेना है आप देख सकते हैं ये थिक होने लग गया है इसकी जो कंसिस्टेंसी वो गाढ़ी होने लग गई है और लम्ब भी पड़ने लग गए हैं तो उस स्टेज पर भी हमें इसे बिल्कुल चलाते रहना बिल्कुल भी नहीं रोकना है नहीं तो इसमें गुटलियाँ पड़ जाएगी और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है मीडियम और हाई पर नहीं रखना है बिल्कुल लो रखना है बस इसे इसी तरीके से चलाते रहना है और बिल्कुल भी इसके जो लम्स है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देनी है हमें और अब आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो गया है और इसमें अब बिल्कुल भी गुटलियाँ बाकी नहीं है तो अब इसमें हम डाल देंगे शुगर सारप जो अभी हमने बना कर रखा था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे चम्मच से चलाते हुए पकाते जाएंगे इस तरह से चम्मच से इसे मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा शुगर सारप इसमें डालते जाएंगे और इसे चम्मच से इस तरह से हम चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे और गैस की फ़्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे इस टाइम हम तो पूरा एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है मिक्स करते जाना है अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी सी रबर जैसी नहीं हो जाती है तब तक हम इसे पकाएंगे तो तकरीबन हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे और इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएगा तो इसे पकते हुए यहां पर 15 मिनट हो गए हैं अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे वन फोर टी स्पून यानी एक चौथाई छोटा चम्मच हम इसमें रोज़ एसेंस डालेंगे रोज़ वाटर हो तो आप डाल सकते हैं मेरे पास रोज़ एसेंस था वो डाल दिया है कलर के लिए थोड़ा सा हम रेड फूड कलर डालेंगे लिक्विड वाला और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन तीनों चीज़ों डालने के बाद फिर से हम इसे पाँच मिनट के लिए और पकाएंगे और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं रबर के जैसी कंसिस्टेंसी होने लग गई है और ये जो मिक्सचर है वो इकट्ठा होने लग गया है तो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी हुई है इसकी तो बस पाँच मिनट और इसे हमें पका लेना है तो तीनों चीज़ें डालने के बाद फिर से हमने इसे पाँच मिनट और पकाया था और इसे टोटल पकते हुए पच्चीस मिनट हो गए हैं अब इसे गैस पर से उतार लेंगे और जिसमें भी हमें इसे सेट करना है उसमें डाल देंगे तो एक मोल्ड में मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगाकर पहले से ही तैयार करके रखा था अब इसे हम गरम गरम ही इसके अंदर डाल देंगे तो आपको जिसमें भी इसे सेट करना है उसमें बटर पेपर लगा कर इस तरह से मिक्सचर डाल दें अच्छे से डालने के बाद इसे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से तो एक स्पैचुला की हेल्प से इसे चारों तरफ से अच्छे से फैला देना है अब इसे हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे तो इसे चार से पाँच घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इसे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है बाहर ही रखना है रूम टेम्परेचर पर तो इसे चार घंटे के लिए हम रख देंगे इधर हम कोटिंग के लिए एक पाउडर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर दो छोटे चम्मच ले ली है पाउडर शुगर पिसी हुई चीनी ले ली है इसमें हम डाल देंगे दो छोटे चम्मच कॉर्न स्टार्च अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो अब हमारी जो कैंडी है वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है अब इसे हम मोल्ड में से निकाल लेंगे अब एक बोर्ड पर हम वो वाला पाउडर डालेंगे जो अभी हमने तैयार करके रखा है कोटिंग करने के लिए पाउडर वो इस तरह से हम बोर्ड के ऊपर डाल देंगे तो ये भी अच्छे से हमारी सेट हो गई है बटर पेपर भी इजीली निकल गया है तो बटर पेपर हटा देंगे और जो पाउडर है कोटिंग वाला उसमें इस तरह से हम इसे कोट कर देंगे अच्छे से इस तरह से आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी इसे कोट कर सकते हैं या अगर आपके पास में ड्राई रोज पेटल्स हो उससे भी आप इसे कोट कर सकते हैं तो अच्छे से कोट करके अब इसे हम कट कर लेंगे स्क्वायर शेप में छोटे छोटे स्क्वायर शेप में इसे कट कर लेंगे डिलीशियस सी टर्किश डिलाइट बनकर तैयार है ये कैंडी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़